Hey guys, welcome to another video. और आज हम बात करने वाले हैं Apex Legends Mobile के सबसे न्यू लेजेंड जिसका नाम है Rhapsody का. तो वीडियो को शुरू करने से पहले a huge shout out to Coda Shop. So Coda Shop is a very easy and fast way to recharge your Apex Legends Mobile account with the Gold Syndicate packs. जो कि आप खरीद सकते हैं उनकी वेबसाइट से. इट हैज सुपर कन्वीनियंट पेमेंट मेथड्स लाइक UPI, Paytm, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग एंड ऑल द पेमेंट मेथड्स दैट यू यूज. साथ ही साथ द डिलीवरी इज इंस्टेंट विद एक्साइटिंग एक्सक्लूसिव ऑफर्स एंड ए गुड कस्टमर सपोर्ट. और अभी करंटली ऑफर भी चल रहा है, Paytm से अगर आप Apex Legends Mobile के सिंडिकेट गोल्ड पैक्स लोगे तो 5% का कैशबैक भी मिलेगा. जी हाँ दोस्तों, पेमेंट आपको Paytm वॉलेट से करनी है. तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे आप रिचार्ज करोगे. तो जैसे ही आप Coda Shop की वेबसाइट खोलोगे कुछ इस तरीके से दिखेगा. आपको सेलेक्ट करना है Apex Legends Mobile. उसके बाद सबसे पहला स्टेप है अपनी मोबाइल आईडी डालना Apex Legends Mobile की, जो कि आपके टॉप लेफ्ट प्रोफाइल बैनर पे क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगी. उसके बाद सिंडिकेट गोल्ड पैक सेलेक्ट करना है, जो भी अमाउंट का आप चाहते हो. सिंडिकेट गोल्ड पैक सेलेक्ट किया, यहां पर आपको अपना प्रेफर्ड पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है. Paytm का ऑफर चल रहा है तो मैं तो Paytm सेलेक्ट करूंगा. उसके बाद आपको नीचे अपनी ईमेल आईडी डालनी है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है वहां पर रिसिप्ट आ जाएगी जितना भी आप परचेज कर रहे हो उसकी. तो यहाँ पर उसके बाद सीधा बाय नाउ पे क्लिक करना है. उसके बाद आप अपना मोबाइल उठाओगे, Paytm की ऐप खोलोगे, Paytm का QR कोड आ चुका होगा जिसको आप स्कैन करोगे. जैसे ही मैं स्कैन करूंगा पेमेंट करूंगा, वोइला पेमेंट डन, पेमेंट सक्सेसफुल, 89 रुपीस हमारे रिचार्ज हो चुके हैं Apex Legends Mobile के अकाउंट में. डायरेक्टली आपको शो करेगा, नो चिक नो झिक आपके अकाउंट में शो हो जाएगा Apex Legends Mobile के. जी हाँ दोस्तों, EA से ऑफिशियली पार्टनर्ड है Coda Shop, तो आपको कोई डरने की बात है ही नहीं. तो अब हम आते हैं अपनी वीडियो पे. Rhapsody, दिस इज द न्यू लेजेंड जो कि अभी मैं करेंटली इक्विप कर चुका हूँ. ये नया लेजेंड क्या करता है, चलिए इस बारे में बात करते हैं. तो इसकी जो पैसिव एबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा कूल है. तो आपको भी पता है इस गेम में जब भी कोई फुटस्टेप्स आपके अराउंड होती है एनिमी की, तो वो विजुअलाइज हो जाती है, वो आपको दिखता है कि यहां से फुटस्टेप्स आ रही है. तो Rhapsody की जो पैसिव है वो उसकी रेंज को और एक्सटेंड कर देती है. तो अगर आप मान लो 10 मीटर या 20 मीटर के रेंज को विजुअलाइज कर रहे थे, तो अब और ज्यादा रेंज को विजुअलाइज करोगे. मतलब कोई दूर से भी आ रहा होगा तो फुटस्टेप्स आपके स्क्रीन पे आ जाएगा कि यहां से एनिमी आ रहा है. अब हम बात करते हैं इसकी टैक्टिकल की. ये मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी है. तो अभी जैसे आप देख रहे हो मेरी शील्ड क्रैक्ड है, टूटी हुई है, मतलब नॉट क्रैक्ड है, टूटी हुई है और काफी कम है. और मेरे टीममेट्स की भी मान लो फाइट लेने के बाद शील्ड काफी कम है. तो यहां पर मैं अपनी टैक्टिकल एबिलिटी यूज करूंगा. और ये देखो यहां पर ऐसे हाइप एंथम चालू हो गई है, जिससे कि मेरी शील्ड भी देखो रिचार्ज हो रही है काफी अच्छी स्पीड पे, और मुझे स्पीड बूस्ट भी मिला हुआ है. इससे मैं बंदों को मेल्ट कर सकता हूं, भाग सकता हूं यहां से, या तो जो मर्जी चाहूं वो कर सकता हूं. इस 5 सेकंड को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है आपको. शील्ड भी रिचार्ज होगी, आपको स्पीड बूस्ट भी मिलेगा, आप वहां से या तो निकल सकते हो या फाइट के लिए इक्विप हो सकते हो. मान लो आपकी हेल्थ कम है तो आप हेल्थ लगा रहे हो, शील्ड तो बढ़ी रही है, एंड यू कैन गेट बैक टू द फाइट. अब हम बात करते हैं इसकी अल्टीमेट एबिलिटी की. तो अल्टीमेट एबिलिटी इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस लेजेंड. Apex Legends Mobile में एक स्कैनर लेजेंड है जिसका नाम है ब्लड हाउंड. तो ब्लड हाउंड का जब स्कैन आता है आप उससे बच नहीं सकते. ये तब तक पॉसिबल था जब तक आपके साथ टीम में Rhapsody नहीं है. जी हाँ दोस्तों, अब Rhapsody आ गई है. तो Rhapsody की अल्टीमेट आप लगाओगे, मान लो आप ऐसे स्टेज पे हो जहां पर आप पुश कर रहे हो, या तो आपकी HP कम हो गई है या आपने डैमेज ले लिया है, आप नहीं चाहते हो कि कोई आपको स्कैन करे या आपको कोई देख पाए, तो यहां पर काम आती है Rhapsody की अल्टीमेट. अब आपको मैं मार के दिखाता हूँ Rhapsody की अल्टीमेट. तो ये देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर Rhapsody की अल्टीमेट को एम कर लिया है, मतलब इक्विप किया है. फिर उसके बाद आपको एम करना होता है कि आपको किस डायरेक्शन में Rhapsody की अल्टीमेट मारनी है. आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन भी दिख जाएगा कि किस डायरेक्शन में आप मार रहे हो. तो मान लो यहाँ सामने से कोई एनिमी आ रहा है और मैंने यहाँ पर एम कर लिया है और मैं यहाँ पर Rhapsody की अल्टीमेट मार दूंगा. या दोस्तों ये देखो एक वॉल क्रिएट हो चुकी है जो कि इतनी बड़ी है, इसके आर पार कोई भी स्कैन नहीं आ सकता. और दूसरी साइड से मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिखेगा. तो कोई एनिमी वॉल को अगर देख रहा होगा तो इस तरीके से दिखेगा, और आप वॉल के अंदर से होगे तो आप एनिमी को आते हुए देख के वहां से शूट भी कर सकते हो और बंदे को मार सकते हो. जी हाँ दोस्तों, ये लेजेंड गेम
चेंजिंग लेजेंड है। आई कैन इवन थिंक ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज विद दिस लेजेंड। ये लेजेंड आपको फाइट्स के बीच में बचा सकता है, फाइट के स्टार्ट होने के टाइम बचा सकता है, थर्ड पार्टी के टाइम बचा सकता है, एंड सर्कल में बचा सकता है। इतने सारे पॉसिबिलिटीज है रैप्सोडी के साथ। दिस इज अ ट्रू सपोर्टिव लेजेंड एनी टाइम। मैं तो चाहता हूं यार रैप्सोडी जैसा लेजेंड या रैप्सोडी ही पीसी में भी आ जाए। इसके आने से सीयर का स्कैन रुकेगा, ब्लडहाउंड का स्कैन रुकेगा, क्रिप्टो का स्कैन रुकेगा, और साथ ही साथ जो थर्ड पार्टी आती है उससे फाइट करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। आपको क्या लगता है जरूर बताना मुझे कि कैसी लगी इसकी एबिलिटीज। जो लोग एपेक्स लेजेंड पीसी खेलते हैं, जिन्होंने मोबाइल पे ये लेजेंड नहीं देखा, अभी तक नहीं खेला है, तो मोबाइल पे एक बार चेकआउट करो, देखो कि कितना कूल लेजेंड है। ऐसा लेजेंड पीसी में आएगा नहीं आएगा, क्या लगता है आपको अपना बताना। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, एंड कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल कैच यू ऑन माय नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम।